Hello students, this is part 5 of number system. In this video we will learn our next topic real numbers and their decimal expansion. As you look here that we have 3 numbers, first 5 by 3, second 3 by 8 and 1 by 7. Okay, तो अगर हम इसको divide करते हैं, ठीक है, 3 to 5, 5 to 3 से, then we get what? 1.666, ठीक है? यहाँ पे, अब ये कभी भी क्या होगा कि end नहीं होगा, ठीक है? इस condition में देखते हैं कि क्या हो रहा है, कि इसको जब divide करेंगे तो यहाँ पे जा करके end हो जाएगा, मतलब कि यहाँ 0, 0 आ गया remainder, but इसमें क्या है? कि 0 होने का chance नहीं है, कभी भी करते जाएं. Same condition इसमें भी है. क्या है कि यहां से जब डिवाइड करेंगे तो फिर हमको 1.4857 अगेन जब हम लोग जीरो पुट करेंगे फिर वही 10 मिल गया, फिर रिपीट करते जाएगा 1.42857. ओके, तो यहां ध्यान देंगे कि अब क्या है कि इसमें तो द रिमाइंडर्स आइदर बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ. तो इस दोनों एग्जांपल से हम लोग यही देख सकते हैं क्या कि रिमाइंडर या तो जीरो होगा और नहीं तो कुछ समय के बाद से क्या होगा, रिपीट करते जाएगा, अपने आप को रिपीट करते जाएगा, ठीक है. तो अब देखते हैं कि इसमें दो केस बन रहा है कि रिमाइंडर द रिमाइंडर आइदर बिकम जीरो और फर्स्ट सर्टेन आफ्टर सर्टेन स्टेज और दूसरा स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ. तो केस फर्स्ट में क्या है, रिमाइंडर बिकम जीरो, तो रिमाइंडर बिकम जीरो डेसिमल एक्सपेंशन. तो अगर कोई मतलब कि डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो जीरो बन जाए तो उसको किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, द डेसिमल एक्सपेंस टर्मिनेट्स और एंड्स, टर्मिनेट का मतलब एंड हो जाना, ठीक है ना. और फाइनाइट नंबर ऑफ आफ्टर अ फाइनाइट नंबर, कुछ फाइनाइट नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, ओके, ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड क्या, व्हाट, अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, व्हेन द नंबर, व्हेन द रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो. ओके, जब रिमाइंडर क्या हो, जीरो नहीं हो, तो जब जीरो नहीं हो तो क्या होगा कि ये क्या करेगा, रिपीट करते जाएगा, और इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, समझ में आ रहा है कि अ डेसिमल एक्सपेंशन विच डू नॉट टर्मिनेट अ फाइनाइट नंबर, ओके, इज कॉल्ड व्हाट, इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ओके, तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं. जैसे एग्जांपल देखने से पहले एक चीज और देखेंगे, जैसे यहाँ पे 1.66, इसको हम रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 मेथड है. एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, और यहाँ ध्यान देंगे कि 3 डॉट होना चाहिए. 3 डॉट इट मींस व्हाट, फॉलो एज सेम पैटर्न. 3 डॉट्स का मतलब क्या हो गया, फॉलो एज सेम पैटर्न, मतलब कि यही पैटर्न को फॉलो करते जा रहा है, मतलब 666 आते जा रहा है. यहाँ डॉट का 3 डॉट दिया का मतलब क्या, 1.42857, 1.42857, ये हमारे पास रिपीट करते जा रहा है. तो 3 डॉट का मतलब ये, 3 डॉट्स का मतलब. ओके, तो इसको रिपीट, इसको ये देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किस नंबर से रिपीट हो रहा है. तो 1 डिजिट से रिपीट हो रहा है, तो 1.16 लिख करके उस पर एक बार दे देंगे, या फिर एक 1.6 पे डॉट भी दे सकते हैं. ओके, तो ये है हमारे पास इसका 3 रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. और इसके बाद से एक चीज और देखेंगे कि जितना डिजिट्स पे इसका अगर रिपीट करता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड बोलेंगे. क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड. और लेंथ ऑफ पीरियड इसका कितना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ दिस, व्हाट, 5/3, दैट इज 1, बिकॉज 1 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट करते जा रहा है. अब इसको देखते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 0.142857 डॉट 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 3 डॉट, या फिर 0.142857 और पूरा पे बार,
और या फिर 0.142857 एक स्टार्टिंग में और दूसरा एंड में देंगे डेसिमल। ओके, और इसका लेंथ ऑफ पीरियड देखते हैं। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड ये हो गया, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो गया इसका, तो लेंथ ऑफ पीरियड इज इक्वल टू 6। ओके, एक बात और ध्यान रखेंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड किसी भी नंबर का वो हमेशा ये डिनोमिनेटर जितना हो उससे कम ही होगा। जैसे यहाँ 3 है तो लेस देन 3, 7 है तो लेस देन 7, और वट एवर मतलब कि जो भी हो उसको हम लोग करेंगे। ओके, आफ्टर दिस तो इसके बाद हम लोग कुछ अब हम जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे। जैसे क्या कि अगर ये डेसिमल में हो तो डेसिमल से हम लोग कैसे इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखते हैं जैसे क्या था 0.375। ओके, तो 0.375 था तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 375, ये बहुत छोटे क्लास में लोअर क्लास में पढ़े हैं, तो भाई क्या हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया आगे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं 25 से 25 फोर या 40 और 25 या 25 फिर 5 से 5 से 15 5। ओके, दैट इज व्हाट 3/8। ओके, आफ्टर दिस 1.6 पे रेकरिंग। ठीक है, इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, और दोनों मेथड है उसको फर्स्ट जो इजी मेथड है उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 16 लिख लेंगे पूरा जो नंबर है उसके आज से माइनस जितना पे रेकरिंग हमारे पास नहीं है उस पे हम क्या करेंगे उसको हम लोग माइनस कर लेंगे बाय। उसके बाद से देखेंगे कि जितना डिजिट पे रेकरिंग है उतना हम लोग इसके लिए 9 लेंगे। 1 डिजिट पे रेकरिंग है तो 1 9 मतलब क्या हो गया 15/9, इसको कैंसिल करेंगे 3/15 3/9। अगेन इसमें देखते हैं दूसरा क्वेश्चन 5.125। ओके, तो यहाँ पे रेकरिंग हमारे पास किस पे है तो 25 पे है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 5125 माइनस व्हाट 51, क्योंकि 51 पे 1 इस पे पूरा पे रेकरिंग नहीं है इसलिए यहाँ देंगे बाय व्हाट 99, 2 डिजिट पे रेकरिंग है देन 99। आफ्टर दिस देखेंगे जैसे कि जिसमें हम लोग जैसे इसमें किए थे क्या कि अगर कोई डेसिमल के बाद जिसपे रेकरिंग नहीं है उसके लिए हम क्या देते हैं 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है तो 1 डिजिट है जिसपे रेकरिंग नहीं है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दिस माइनस कर देते हैं, कितना हो गया 4/7 और ये हो गया 0/5/990 और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सो दैट इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट मेथड इसको देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट मेथड कैसे करेंगे सॉल्व। ओके, तो नेक्स्ट मेथड हम लोग सॉल्व करने का देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना है। ओके, तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना है तो 1 है इसका लेंथ ऑफ पीरियड, तो जितना होगा उतना 1 पे मतलब 10^10 उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना है तो इतना है, तो लेट 1.6 इज इक्वल टू व्हाट एक्स, लेंथ ऑफ पीरियड कितना है तो 1 है तो 1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं 1.66, तो 1.666 .. ओके इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स इंटू 10, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज व्हाट 16.666 .. इज इक्वल टू 10x, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ ध्यान देंगे 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 16 हो गया 666, ये तो लास्ट कितना टाइम भी आ सकता है तो फिर हम अगेन इतना ले लिए 3 डिजिट। अब क्या करेंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट क्या मिल जाएगा हमको 16.666 .. माइनस व्हाट 1.666 .. ओके इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स विच इज व्हाट 9x हियर 9x एंड हियर 15.000000 तो 00 है आफ्टर डेसिमल वी कैन लेफ्ट द 0। ओके, नाउ वी हैव एक्स इज इक्वल टू व्हाट 15 बाई
9. That is 5 by 3. Okay. For this question, how we will solve again? Let 5.125 is equal to what? X. अब देखेंगे लेंथ ऑफ पीरियड कितना है. तो लेंथ ऑफ पीरियड कितना है? तो 2 है. ठीक है. एक बात और ध्यान देंगे कि लेंथ ऑफ पीरियड देखने से पहले ऐसा भी देखेंगे कि कोई डिजिट हमारे पास डेसिमल के बाद डिजिट पे रेकरिंग है या नहीं. अगर नहीं है ठीक है, तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितना डिजिट भी हो. अगर 1 डिजिट है तो 10 से, 2 डिजिट है तो 100, 3 डिजिट है तो 1000. तो कितना डिजिट है यहाँ पे? तो हमारे पास 1 डिजिट है यहाँ पे आफ्टर डेसिमल और जिस पे की रेकरिंग नहीं है. तो कितना हो जाएगा? तो 5.125 25 25 ……x × 10 और इधर भी × 10. ओके, दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड. ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स. ओके, आफ्टर दिस हमारे पास क्या मिलेगा? इसको ऐसे लिख लेते हैं और 10x इज इक्वल टू 51.25 25 25 ……. दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. दैट इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अगेन नाउ वी सी दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ पीरियड. हियर व्हाट इज आवर लेंथ ऑफ पीरियड? लेंथ ऑफ पीरियड इज 2. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हिच नंबर? 100 टू इन बोथ साइड. ओके, now we multiplied by 100 on both side, then we get what? 25 25 ……… 100. If you want to write here, write multiply by 10, then you can write. Okay. Now it is 1000x is equal to 51 5 5125 25 25 ……. 2525, that is 25, it is unlimited time, so we can write here. Okay, now that is our equation number 2. Now we have to subtract equation second minus equation first. That is the एक rule है equation का कि क्या कि left hand को left hand में से minus करेंगे और right hand को राइट हैंड में से माइनस करेंगे. जैसे यहाँ देखते हैं ये लेफ्ट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 1000x − 10x. अगर यहाँ पे माइनस दिया तो प्लस, दिया तो प्लस करेंगे, डिवाइड दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई. ओके, इज इक्वल टू 5125.25 ……… माइनस व्हाट? देन 51.2525 ……. ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? माइनस करेंगे तो 990x इज इक्वल टू 51, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 507 व्हाट? 507 4.000 ……. जितना डॉट देना चाहे. ओके, सॉरी, जितना जीरो देना चाहे उतना जीरो दे देंगे. नाउ x इज इक्वल टू व्हाट? 5074 by 990. उसके बाद से अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा. ओके, तो ये हुआ बात किसका? रेशनल नंबर का बात हुआ. अब देखते हैं क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर. अब हमारे पास क्या हो कि कोई हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन हो, जो कि दो केस मिला था क्या? फर्स्ट केस इज इफ डेसिमल विल एंड, डेसिमल एंड विथ 0, और सेकंड डेसिमल नेवर बी एंड. ओके, तो उसमें जो हम लोग पढ़े थे क्या कि नेवर बी एंड. ओके, और एंड नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या कर रहा था? वहां रिपीट कर रहा था. ठीक है, अब क्या करें कि रिपीट बी नेवर बी एंड और एंड क्या चीज? नॉन रिपीटिंग. ओके, रिपीटिंग, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इरेशनल बोलेंगे. इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे?
इरेशनल बोलेंगे, और इसके पहले जो भी हमारे पास नंबर था वो क्या था, रेशनल। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर कोई भी हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है ना, एनी रेशनल नंबर हैज क्या चीज, एनी रेशनल नंबर हैज व्हाट, टर्मिनेटिंग और व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये हमारे पास होगा क्या कि किसी भी रेशनल नंबर के लिए क्या होगा कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेट और रिपीटिंग होगा। बट अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ना रिपीट हो, ना एंड हो और ना ही रिपीट हो, तो उसको कौन सा बोलेंगे हम लोग नंबर, तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ओके, तो इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल जो है वो क्या है, फर्स्ट है रूट टू। रूट टू का वैल्यू क्या है कि 1.414153 ऐसे समथिंग कुछ है वैल्यू। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि क्लास एट में पढ़े ही है कि वन से इसको करते थे, और वन वन जब वन, वन प्लस वन टू दैट इज 1.00, और इसी तरह हम लोग करते करते जाएंगे। और इसको सबसे पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट, ठीक है ना, आर्यभट्ट इसको फाइंड किए थे अप टू 100, ठीक है ना, 100 डेसिमल प्लेस तक। और इसको बताएं कि ये हमारे पास कभी ना एंड होगा और ना ही रिपीट होगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग ये देखे, उसके बाद से कुछ नंबर्स है जो कि कुछ आफ्टर दिस एक चीज और देख लेते हैं, पाई। पाई का वैल्यू 3.14159265 समथिंग ये भी है हमारे पास, ठीक है। तो इसको भी क्या किया गया कि इसको भी निकाल करके देखा गया, ठीक है। एक थे हमारे क्या आर्किमिडीज जो थे, सबसे पहले इसको फाइंड किए और इसको बताए क्या कि ये इरेशनल नंबर है आर्किमिडीज। इसके बाद से अभी हमारे पास, इसके बाद से आर्यभट्ट भी बहुत अप टू फोर डिजिट डेसिमल प्लेस वो बताए थे कि क्या कि इस पाई का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। आफ्टर दिस इसके बाद से पाई का वैल्यू जो है नाउ बाय सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर इसको 1.24 ट्रिलियन टाइम, ठीक है, 1.4 ट्रिलियन टाइम्स, ठीक है ना, अप टू डेसिमल डिजिट, ठीक है ना, इतना टाइम्स इसको फाइंड करके देख लिया गया है डेसिमल के, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, ना रिपीट हुआ है और ना ही क्या हुआ है, एंड हुआ है। ओके, तो इस टाइप का जो भी जो ना रिपीट करे ना एंड करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दैट इज इरेशनल नंबर। ओके, इसका एक और फॉर्म है हमारे पास एक्स डॉट ए बी, ए टू टाइम्स बी, ए थ्री टाइम्स बी, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, थ्री डॉट रिपीट एज फॉलो एज सेम पैटर्न। जैसे क्या कि अगर हमारे पास कोई नंबर हो 2.15 1555 डॉट डॉट डॉट, अगर इस तरह का हमारे पास कोई भी नंबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इरेशनल बोलेंगे, ना रिपीट ही हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, इन हो रहा है। ओके, और भी एग्जांपल 3.10 100 1000 1000 14 0 और इसी तरह डॉट 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 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग समराइज करते हैं। तो इस टाइप का जो भी नंबर है वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर। तो इसको समराइज करके देख लेते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, कितना टाइप का हो गया, तो हमारे पास टू टाइप का हो गया। फर्स्ट हमारे पास क्या
टर्मिनेटिंग हो गया और दूसरा क्या हो गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ओके और ये नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास टू टाइप का है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रिपीटिंग, ठीक है ना, रिपीटिंग, और इसको रिक्यूरिंग भी बोलते हैं, आर ई सी सी यू आर आई एन जी, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल। ओके और या फिर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग। ओके तो हमारे पास टू टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, फर्स्ट हो गया रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। ये हमारे पास हो गया, ये टोटल जो है अभी ऑब्जर्व किए थे, ये क्या है हमारे पास रेशनल है, और ये वाला जो है वो क्या है इरेशनल है। ओके जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल 3/5, 7/8, 4/9, ठीक है, इस टाइप का ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया टर्मिनेटिंग। सब हमारे पास ये हो गया क्या, ये टर्मिनेटिंग हो गया, और ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग 4/3, ओके 1/7, जस्ट वी हैव सीन इन एग्जांपल। ओके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पाई हो गया, पाई हो गया, ई हो गया। ओके और इसके बाद से जितना भी रूट टू रूट वाला रेशनल नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके ये हो गया हमारे पास, उसके बाद से एक टाइप ये जो अभी बताए हैं ये। ओके तो ये है टोटल है हमारा क्या डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी इजली। ओके नाउ आफ्टर दिस वी विल स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। ओके थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।